औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आने वाले हमारे जितने भी मॉडरेटर्स का दिन वक्त हमारे कैरेक्टर हमारे क्लाइंट्स हमारी जितनी टीम है सबको मैं खुशामदीद कहता हूँ। और खास तौर पे आज का दिन हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है और खुशी के साथ साथ सेलिब्रेशन के साथ साथ शुक्र का भी दिन है। अच्छा, आज की जो गेट टुगेदर हमने जो अरेंजमेंट किया है इसका खास मकसद जिन लोगों को जिन हमारे मेंबर्स को कब्जा मिला है प्लॉट हैंड ओवर किया है उस खुशी को सेलिब्रेट करना और खास तौर पर अल्लाह पाक के हुजूर शुक्र गुजार होना कि अल्लाह पाक ने हमें हमारे रियल्टर्स को हमारे क्लाइंट के सामने सुपुर्द किया। बुनियादी मकसद ये है। इसी वजह से हमारी ये कोशिश थी माशाल्लाह आज जब हम आपके सामने बात कर रहे हैं तो इस वक्त सैकड़ों क्लाइंट्स अपने प्लॉट का कब्जा ले चुके हैं। हमारे लास्ट जो हमारे इवेंट वाला जब हमने ये डेवलपमेंट चार्जेस अनाउंस किए थे उस वक्त से लेके अभी तक जितने भी क्लाइंट्स ने आपके डेवलपमेंट चार्जेस पे किए हैं आज की डेट तक कोई एक सिंगल क्लाइंट ऐसा है तो अभी खड़ा हो जाए और बताए कि जिसको प्लॉट का कब्जा हैंड ओवर नहीं हुआ। सबको हो चुका है और फौरी हो रहा है और ना सिर्फ कब्जा हैंड ओवर हुआ है बल्कि जो आपके रिप्रेजेंटेटिव थे हमारे डीलर से उनको हमने नक्शे के ऊपर बैठा के लोकेशन दिखा के पसंद का प्लॉट हैंड ओवर करवाए हैं। सो ये अभी तक की आपकी प्रोग्रेस है और उसमें सैकड़ों क्लाइंट्स ने कब्जा लिया है। डेवलपर की मैं बात नहीं कर रहा, यूकॉन और ऑलिव वो अलग है जिनको हमने तंग सौ प्लॉट दिए जिनके ऊपर वो घर बना रहे हैं, मैं क्लाइंट्स की बात कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह उनको प्लॉट हैंड ओवर में है और आज उन्हीं के रिव्यूज भी आपके सामने चल रहे हैं जो खुद नहीं आ सके उनके बिहाफ पे उनके रिश्तेदारों ने प्लॉट हैंड ओवर किए हैं। और मेरी अब ये रिक्वेस्ट भी है ख्वाहिश भी है कि जिनको प्लॉट मिला है वो जल्द अज जल्द घरों की तामीर भी वहाँ पे स्टार्ट करें। और मैं देख रहा था रिव्यूज में भी और हमारी जो होस्ट हैं फरा मैडम वो भी ये कह रही थी कि अभी नेक्स्ट क्या है कि प्लॉट हो गया तो हम इनको घरों पर रिलीव करें। उसके ऊपर भी मैं इस इवेंट के थ्रू इस गेट टुगेदर के थ्रू आपको बताना चाहूँगा कि जिन जिन को कब्जा हैंड ओवर कर रही है इनमें से कोई भी क्लाइंट देखें हमारी तरफ से किसी को भी हमने पाबंद नहीं किया कि कब्जा तब देंगे कि आप घर बनाएंगे। जो पे कर रहा है वो फौरी आपका कब्जा ले रहा है और जो घर बनाना चाहता है उसके लिए अगस्त 2025 एक साल का हम टाइम दे रहे हैं। जिसका भी घर क्लियर के अंदर कंप्लीट होगा तो उसको नेक्स्ट एक पूरे साल के लिए हम बिजली फ्री दे रहे हैं, हम गैस फ्री दे रहे हैं, हम किसी किस्म का उसके थ्रू उसके जरिए कोई बिल चार्ज नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और थर्ड बार जब उसका घर कंप्लीट होगा अगर वो खुद नहीं रहना चाहता तो कंपनी रूबेन एनक्लेव खुद उससे मार्केट रेट के मुताबिक उसको रेंटल पे करेगी और उससे रेंट पे कर लेगी। तो ये सेकंड चीज भी हम आपको नोट कर रहे हैं। तो आज के डिस्कशन में जिनको कब्जा मिल गया है अगस्त 2025 तक जिस चीज का घर कंप्लीट होगा ठीक है उसको हम ये पैकेज हमारी तरफ से ओपनली अनाउंसमेंट है इसलिए मैं पब्लिक अनाउंस कर रहा हूं कि ये उसको अवेल कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर भी मैं अभी तमाम तरह पॉलिसीज को जरा स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूंगा और मैं चाहूंगा कि हमारे जो रियल्टर्स हैं हमारे जो कंसल्टेंट हमारे साथ काम कर रहे हैं उनको गौर से सुने। इसी के बेस के ऊपर आपने अगले महीना दो महीना काम करना है। मतलब अगर आप सब सीईओस को ये पॉलिसी की समझ आ गई तो आप अपनी टीम को ब्रीफ देंगे, आपकी टीम को और आपको समझ है तो आप अपने क्लाइंट को इस चीज को एक्सप्लेन कर सकेंगे। तो पहले तो चीज ये है कि जिनको कब्जा मिला है वो अगर घर पर आएगा 10 तक तो उनको हम ये सौंपे दे रहे हैं। सेकेंड, हमारी अगर पिछली पॉलिसी जो 10 जून 2024 को खत्म हुई थी उसको अगर आप लोग देखें तो उसके मुताबिक ये था कि 10 जून के बाद डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर हम आधा डिस्काउंट देंगे और आधा आपको कैश देना पड़ेगा। यही हमारी प्रीवियसली पॉलिसी थी जो आपके सामने थी उसके अंदर भी आप सबकी इनपुट्स को देखते हुए आप सबके रिस्पॉन्स को देखते हुए हम एक्सटेंशन दे रहे हैं 17 अगस्त 2024 तक। ये तकरीबन 1.5 माह का टाइम बनता है। इस 1.5 माह तक हमारा कोई भी क्लाइंट जो कब्जा लेना चाहता है और फौरी कब्जा लेना चाहता है वो अपने सारे डेवलपमेंट चार्जेस हमारे डेवलपमेंट रोडन डेवलपमेंट डिस्काउंट फॉर्म आरडीएफ के थ्रू पे कर सकता है उसके थ्रू और सारा डिस्काउंट भी अवेल कर सकता है और फौरी कब्जा भी ले सकता है। तो 17 जून तक हम अपनी इस पॉलिसी को मजीद एक्सटेंशन दे रहे हैं कि आप पूरा डिस्काउंट भी अवेल करें, सारे डेवलपमेंट चार्जेस आप डिस्काउंट फॉर्म के थ्रू पे करें। पहली बात, जब आप पे कराएंगे तो आप हम महीने का दो महीने का टाइम भी देगा पे करें और फौरी कब्जा भी लें और कोई पाबंदी नहीं है कि आप फौरी घर बनाए आपका प्लॉट है आप अपने पास रखें।
तो डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर भी जो हमारी पॉलिसी थी हम उसको मजीद महीना डेढ़ महीना के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये सजेस्ट करूंगा जितना जल्दी पे करेंगे आपको अच्छा प्लॉट मिलेगा, अच्छी लोकेशन का मिलेगा। अभी मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस ये पैलेस है को जिनको प्लॉट मिला है ये उन डीलर्स को भी पता है जिन्होंने नक्शे में मेरे साथ बैठ के प्लॉट सेट किए हैं और उन क्लाइंट्स को भी इस चीज का दराक है कि यही प्लॉट अभी सात मल्ले का ये जो आज प्लॉट दिए ये भी और जो शायद साल के बाद वो भी है वो दोनों सात मल्ले का प्लॉट, लेकिन लोकेशन वाइज जो इसके अंदर वैल्यू एडिशन है ना, मतलब शायद आपके दो माह के बाद ये 10 लाख कौन पे बिक रहा हो और वो आपका लेवल पे बिक रहा हो, तो ये जो वैल्यू एडिशन के एलिमेंट है ना ये अच्छे प्लॉट हैं वो आपको हमेशा शुरू में जो आप लोग अवेल करते हैं उन्हीं को मिलता है। तो डेढ़ माह की एक्सटेंशन है आपके डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर, आप अपने डेवलपमेंट चार्जेस पूरे के पूरे 17 अगस्त 2024 तक डेवलपमेंट चार्जेस जो हमारा ऑडिट या उसके थ्रू आप पे करवा सकते हैं, फौरी कब्जा ले सकते हैं और साथ साथ अच्छे प्लॉट भी ले सकते हैं। सेकंड हमारी जो पॉलिसी थी, मैं हमारी जो पिछली पॉलिसी चल रही है उन तमाम को जो आगे हमारी एक्सटेंशन है जिसमें हमने कुछ चेंज किया मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। तीसरी चीज जो हमारी है वो ये थी कि हमारी जो पिछली पॉलिसी थी उसके मुताबिक जो क्लाइंट 90% तक एग्जेक्टिव ब्लॉक में अपने ड्यूज क्लियर नहीं करवाते उनके ऊपर हमारी ये पॉलिसी थी कि उनका प्लॉट या कैंसिल कर दिया जाएगा या तब्दील कर दिया जाएगा, ये हमारी पॉलिसी थी जो लास्ट थी। उसके ऊपर मेरी जितनी दफा भी आप सबके साथ कॉन्फ्रेंस हुई, आपके साथ वन टू वन मीटिंग हुई, डिस्कशन हुई, तो आपने एक ही पॉइंट अपने क्लाइंट की तरफ से और अपनी तरफ से रेज किया कि सर कैंसिलेशन में या प्लॉट की तब्दीली में सिर्फ उनको आप एड ऑन करें जो ड्यू लेटर पे नहीं कर रहे हैं, मतलब एक क्लाइंट जिसकी 4 किस्तें पेड है वो अगर नहीं करा तो सर उसको तो इस चीज में लेके आए, लेकिन एक क्लाइंट की ड्यू इंस्टॉलमेंट नहीं है तो उसको अपनी लिस्ट में एड अप ना करें। ये चीज थी जो आप सबकी तरफ से हमें तकरीबन सब ने यह ब्रीफ किया। अच्छा, उसी आप सबके रिव्यू को हम इसमें एड अप करते हैं जो अभी हमारी न्यू पॉलिसी है रिगार्डिंग कैंसिलेशन या एग्जेक्टिव लॉ के ऊपर, उसकी भी लास्ट डेट आपकी सेम है 17 अगस्त 2024। उसके मुताबिक जिनकी 90% या समथिंग पे नहीं थी हम उनको किसी को भी कैंसिल नहीं कर रहे ना प्लॉट को दिल कर रहे हैं, सिर्फ उन क्लाइंट्स को जिनका ड्यू लेटर था मतलब 30 जून तक जिनका ड्यू लेटर था जिनकी किस्तें आउटस्टैंडिंग थी उन्होंने पे नहीं किए उनकी फाइल को हमने स्टेटस कैंसिलेशन में कर दिया है, लेकिन उनको भी हमने महीना डेढ़ महीना टाइम दिया है कि वो 17 अगस्त तक अपना ड्यू ले जाए, उसकी 2 किस्तें पेंडिंग है, 6 पेंडिंग है, 10 पेंडिंग है वो पे करवाए और एग्जेक्टिव ब्लॉक में अपने आप को एज एक्टिव मेंबर कंटिन्यू करें। तो ये सेकेंड पॉलिसी के रिविजन है कि कैंसिलेशन हमने 90% वालों की नहीं की, उनकी सिर्फ की है कैंसिलेशन की है कि जिनकी ड्यू इंस्टॉलमेंट है। अच्छा, तीसरी चीज आ जाती है कि हमारी थर्ड बिल्डिंग इस दफा हमने कोई एक्सटेंशन भी नहीं दी थी और जो डेट हमारी थी आपको ने देखा होगा उसी टाइम के ऊपर हमारी बैलेट का रिजल्ट हमारी वेबसाइट के ऊपर था, नो डाउट उसके ऊपर हमें बहुत बड़ी अप्रिसिएशन भी मिली, हमारे क्लाइंट्स हमारे डीलर ये सोच रहे थे कि मेबी हम महीना 2 महीना एक्सटेंड करें, तो सब ने अप्रिशिएट किया कि सर गैर तौर पर इन हालात में आपने इन टाइम जो है वो मैनेजमेंट ने बैठी ली है। लेकिन एक जो दूसरा रिस्पॉन्स आया वो ये था कि सर हम चाह रहे थे कि हम इस आखिरी बिल्डिंग के अंदर शामिल हों और हम ये जो है सोच रहे थे कि आप एक्सटेंड करेंगे अब हमारे लिए क्या है, तो प्लीज़ आप हमें एक लास्ट चांस दें और कोई एक्सटेंशन ना दें लेकिन हमें एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर मेंबर अपना बनने का जो है वो मौका दें, क्योंकि जिसके पास अलॉटमेंट लेटर है ना प्लॉट का नंबर है उसको एग्जेक्टिव के अंदर प्लॉट मिलने मिलना है, ये चीज़ सुशोर शॉर्ट है। तो उसके लिए भी हम 17 अगस्त 2024 लास्ट डेट दे रहे हैं कि फोर्थ बिल्डिंग और लास्ट बिल्डिंग और इसमें किसी किस्म की डेट की हमने एक्सटेंशन ही दे दी। इसके अंदर जो भी अपना एग्जेक्टिव का, क्योंकि एग्जेक्टिव में मैक्सिमम लोगों की पेमेंटें पूरी हो चुकी हैं, सो 95% तक जो अपना लेजर अपडेट करवाएगा वो क्लाइंट फोर्थ बिल्डिंग और आखिरी बिल्डिंग के अंदर शामिल हो जाएगा और एग्जेक्टिव का मीटर भी बन जाएगा। लेकिन इस चीज़ को आप माइंड में रखें कि इस आखिरी बिल्डिंग के अंदर भी जो शामिल नहीं होगा उसका फ्यूचर क्या है, एग्जेक्टिव ब्लॉक में इसके बाद हम कोई बिल्डिंग नहीं करेंगे, हमारी बिल्डिंग हमारी तमाम तरफ़ें क्लोज हो जाएंगी, मैप रिवील हो जाएगा, लोगों को साथ साथ कब्जा मिल रहा होगा, अगर कोई भी एक्टिव क्लाइंट इस बिल्डिंग का हिस्सा भी नहीं बनते तो वो उसके बाद ये नहीं होगा कि वो पेमेंट करेगा तो उसको फौरी प्लॉट मिलेगा, उसको अपनी लैंड कॉस्ट भी पूरी करनी पड़ेगी, डेवलपमेंट चार्जेस भी पूरे करने पड़ेंगे, जब ये पूरे करेगा उसके बाद जहाँ अवेलेबिलिटी हुई एक्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर देन उनको वो प्लॉट एलोकेट होगा।
तो डेवलपमेंट चार्जेस की हमने एक्सटेंशन आपको दे दी, कैंसलेशन के ऊपर आपको बताया कि जिनका ड्यू वैलिड है सर उनके ऊपर कैंसलेशन है और उनको भी हमने टाइम दे दिया कि वो अपना ड्यू वैलिड कम्प्लीट करना है। और तीसरी चीज आपको बता दी कि 95% के ऊपर हमारी फोर्थ और लास्ट बेल्टिंग होगी और इसके बाद बेल्टिंग नहीं होगी, और जो नहीं पे करेंगे उनका फ्यूचर क्या है।